बताऊं, राशिद ने रोहित को मेक श्योर किया कि ऑस्ट्रेलिया की टांगे हमने तोड़ दी है, ठीक कमजोर कर दिए, तोड़ तुम देना उसके बाद हम निमट लेंगे। रोहित शर्मा ने मेक श्योर किया कि ऑस्ट्रेलिया का गला दबा दो, सांसें खींच ली राशिद ने आज ऑस्ट्रेलिया की। अबे बांग्लादेश इतना परेशान नहीं है हार के, जिस कदर ऑस्ट्रेलिया चुप चुप के देख रहे थे साले सारे सो। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुंह के ऊपर लात मारी है और उनको बताया कि हमारी क्रिकेट आपसे कितनी ज्यादा आगे जा चुकी है। अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बना दी है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगा। तो भाई वो कैसा लगा हमारा मजाक का? अफगानिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, हैरान कर दिया कि नहीं? टी 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 बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। अबे ये क्या क्या देखेंगे, छुप छुप के कभी खुल के देखो, आगे जीत का मजा लो, क्रिकेट का मजा लो। अबे इस तरह छुप छुप के देखोगे तो लालच पड़ी रहेगी तुम पे और तुम्हारी क्रिकेट पे, निकल कर आ तुम्हारी ऐसी की तेजी। बांग्लादेश मुझे बीच में ऐसी फीलिंग आई, खुद तो भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बारिश भी बार बार आ रही थी वहां पे जनाब बांग्लादेश, पहले तो वो सूफी साहब जो है महमूदुल्लाह उनके, he was just blocking, blocking, blocking. रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए। तीन टीमों की किस्मत थी इस मैच में और जो प्रिवेल कर गया अफगानिस्तान। अच्छा जी फिर क्या कह रहे थे पाकिस्तानी, क्या कह रहे थे? घंटा बजाया अफगानिस्तान ने पकड़कर आज वर्ल्ड क्रिकेट का। बांग्लादेश की बुजदिली, अफगानिस्तान की बहादुरी और ऑस्ट्रेलिया वाले वे भी कोने में से देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में क्रिकेट के फैंस के लिए जश्न का समा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी सुपर 8 मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम यह मैच 8 रनों से हार गई और इसी के साथ अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। बांग्लादेश के हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका लगा है और ऑस्ट्रेलिया का पत्ता अफगानिस्तान ने काट दिया और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद बांग्लादेश की टीम पर टिकी हुई थी। कम स्कोर वाले इस मैच में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम खुद फाइनल में जाएगी नहीं और साथ ही अफगानिस्तान का भी पत्ता काट देगी और इसका फायदा सीधे ऑस्ट्रेलिया को होता, लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए कई विकेट हासिल किए और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। अब अफगानिस्तान का पहला सेमीफाइनल 27 जून को सामने साउथ अफ्रीका के साथ होगा। वही भारतीय टीम दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ भिड़ेगा। अफगानिस्तान के जीतने के बाद पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठा। आइए हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए आज का दिन कभी भूलेगा नहीं वो। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुंह के ऊपर लात मारी है और उनको बताया कि हमारी क्रिकेट आपसे कितनी ज्यादा आगे जा चुकी है। घंटा बजाया अफगानिस्तान ने पकड़कर आज वर्ल्ड क्रिकेट का, घंटा बजाया आज अफगानिस्तान ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। मेरा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। मेरे घंटे का मिचेल मार्श जो कह रहा था ना कि इंडिया को हरा कर हम सेमीज में जाएंगे, तो बेटा आपके अब्बू अफगानिस्तान वाले जा चुके हैं। अफगानिस्तान बेटा जा चुका है, ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली क्वालिफाई भाई एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलियंस क्वालिफाई कर गए हैं। अगर किसी ने आज क्रिकेट खेली है तो अफगानिस्तान ने खेली है। अफगानिस्तान ने आपको बताया कि क्रिकेट दिमाग से, दिल से, जुनून से, जज्बे से खेली जाती है। मेरे घंटे के तो भाई वो कैसा लगा हमारा मजाक का? एक सौ 116 रन, ये जीतेंगे 116 रन से। हमारे रनसों पे ना जाओ मेरे दोस्त, हमारे कलाइयों में जादू है, कमाल है। ये कलाइयां जो बनी है ना ये अफगानिस्तान टीम में, ये प्लेयरों के हाथ में एक किस्म का मैजिक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कब क्या कर दे राशिद खान, किसी को नहीं पता भाई। आज तो बहुत सारे लोगों के जो है ब्लड प्रेशर ऊपर हो गए थे भाई।
तो भाई सच बताओ कैसा लगा हमारा मजाक का? हम हार नहीं रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे भाई, लेकिन मैन ऑफ द मैच गुलबदीन। यार बॉलीवुड की तरफ से गुलबदीन को एक ऑफर आना चाहिए मेरे भाई। क्रैम्प आया हो ना आया हो, लेकिन मेरी तरफ से भाई उसको बॉलीवुड से एक वो तो आना ही चाहिए ऑफर मेरे दोस्त। तो फाइनली दो ब्लू भाई सेमीफाइनल में। ये अफगानिस्तान की टीम है मेरे दोस्त, ये अफगानिस्तान की टीम है। आप कुछ भी कर लो, आप बारिश करवा दो, आप सेंचुरियां बना दो, आप कुछ भी कर लो, आप हमें 60 से 65 रन डॉट बॉल भी ढाल दो भाई, हम फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जीवे जीवे हमारा लुंगी भाई जीवे। लुंगी भाई जिंदाबाद भाई, लुंगी भाई जिंदाबाद भाई। लुंगी भाई तुमने अफगानिस्तान की टीम को बड़े हल्के में ले लिया, तुमने स्टार्टिंग के पावर प्ले में बड़े बड़े शॉट मारने शुरू कर दिए, क्या हम तुम्हें झुड़ियां फेंकने वाले दिख रहे हैं क्या? फ्लावर समझा था क्या? फायर है मैं फायर। सुभान अल्लाह भाई, जिधर ना कमेंटेटर के दिमाग में आए, ना किसी कोच के दिमाग में आए, ना आईसीसी के दिमाग में आए, वहीं पे अफगानिस्तान जीत जाती है। ऐसा तो हम नहीं जाने देंगे, हम मैच जीते फिर उसके बाद हम जो है नंबर दे हमारे भाई को, हिंदुस्तान जीते फिर वो नंबर दे हमें और हम हार जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कोई लफ्ज हो थ्रिलर से भी आगे कोई कोई लफ्ज हो, वो अफगानिस्तान ने कारनामा किया है। बांग्लादेश की बुजदिली, अफगानिस्तान की बहादुरी, और ऑस्ट्रेलिया वाले में भी कोने में से देख रहे होंगे कि भाई हमारा चांस बन गया, हमारा चांस बन गया, बट नहीं, ये अफगानिस्तान के बहादुर बेटे, ये पहाड़ों के बेटे, ये फानी डिजर्व करते थे कि भाई हम सेमीफाइनल खेले। जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, इतना क्लोज मैच, कभी बारिश आ रही है, कभी बारिश जा रही है, कभी बारिश अफगानिस्तान के हक में, कभी बारिश बांग्लादेश के हक में, कभी वो गुलबदीन नेब की चलाकियां और कभी किसकी क्या चलाकियां। ओ माय गॉड, इस मैच में सब कुछ था, और सेमीफाइनल से पहले इतना जबरदस्त किस्म का गेम खेलना अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। कांग्रेचुलेशंस अफगानिस्तान फैंस। सारा इस मैच के बारे में डिटेल से बात करेंगे आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई फ्रॉम काबुल टू दिल्ली, फ्रॉम काबुल टू लाहौर, पूरी दुनिया में क्रिकेट के फैंस के लिए जश्न का समा हो गया है। जिस तरह की क्रिकेट अफगानिस्तान ने खेली है, जिस तरह का नेल बाइटर खेला है, और वो दिया है सेकंड बेस्ट एशियन टीम। क्या कमाल किया है बाबर भाई अफगानिस्तान ने, क्या दिलेरी दिखाई है, क्या बहादुरी दिखाई, और उसका उन्हें सिला मिला है ऊपर वाले।